हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सौरभ झाजड़िया, परिश्रम क्लासेज झुंझुनू में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, अपन ने पासा पढ़ा है, डाइस पढ़ा है, जिसमें अपन ने दो प्रकार की टाइप कर ली है। पहली प्रकार की टाइप थी अपनी कि जब पासे की एक ही स्थिति दी गई हो, और दूसरी टाइप थी जब पासे की दो स्थिति दी गई हो। तो जब पासे की एक स्थिति दी गई हो तो उस समय अपन मानक पासा और साधारण पासा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन जब पासे की दो स्थितियां दी गई हो तो मैंने क्या बताया था, पहला पॉइंट क्या था उसमें, समान अंक समान सतह पर स्थित हो, समान अंक असमान सतह पर स्थित हो। और तीसरा पॉइंट क्या था, जब दो सतह या दो अंक समान हैं। इस पर मैंने आपको एक्सरसाइज भी करवाई थी। आज अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा कि जब पासे की तीन या तीन से ज़्यादा सतह दी गई, ज़्यादा स्थितियाँ दी गई हो। पासे की सिर्फ तीन सतह ही आपको दिखाई देंगी, चाहे कंडीशन कितनी भी दे रखी हो। समझ में आ रही है बात? तो आज अपना टॉपिक रहेगा जब पासे की तीन या तीन से अधिक स्थितियाँ दी गई हों। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जिसके दो वाला समझ में आ गया, उसके तीन वाले में, चार वाले में, पांच वाले में आगे टॉपिक पे कोई डाउट नहीं रहेगा। मैं फिर कह रहा हूं, अपना आज का ये वीडियो देखने से पहले जिन बच्चों ने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा वो पहले वाला वीडियो जरूर देखें, ताकि ये आज की क्लास अपनी बहुत अच्छी समझ में आएगी। समझ में आ गई बात? तो इसमें अपन जब तीन या तीन से अधिक कंडीशन दी हुई मिलेगी तो अपने पास जो रूल दो वाले हैं वो ही लागू करेंगे अपन। समझ में आ गई दोस्तों? अब अपन इसके ऊपर सीधे एक्सरसाइज पर आते हैं, जो कि मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप क्वेश्चन का जवाब देना। हाँ, तो क्वेश्चन आपके सामने लिख दिए गए हैं और इन क्वेश्चन को आपको देखना है और इन क्वेश्चन के आंसर बताने हैं, और हर अंक का आंसर बताना आपको, हर सतह की विपरीत सतह बतानी है आपको। एक का विपरीत क्या होगा, दो का क्या होगा, तीन का क्या होगा, चार का क्या होगा, पांच का क्या होगा और छह का क्या होगा। ये अल्फाबेट वाले हैं अपने पास, तो इसके अंदर ए का क्या है, बी का, सी का, पी का, एम का, क्यू का, वाई का, एस का, टी का, डब्लू का, जो भी अपने पास दे रखे हैं सबके सबके विपरीत बताने हैं। ये नहीं कि अपन ने कह दिया कि इसके अंदर छः का विपरीत क्या होगा और अपन छः का विपरीत याद कर लिया और अपन खुश हो जाते हैं कि वह अपना आंसर मिल गया। नहीं, पूरा पासा आपको आना चाहिए। तो इसके अंदर मैं करने का तरीका बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात, जो अपन ने पीछे की क्लासों में जो पढ़ा है पासे के बारे में, उसके पास चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या था, जब पासे की एक स्थिति दी गई हो। दूसरा पॉइंट क्या था, जब पासे की दो स्थितियां दी गई हो। समझ में आ रही है बात? अब इसको उल्टा पढ़ना है। अपन ने पहले पहला वीडियो देखा था, फिर दूसरा वीडियो देखा था। अब दूसरे वीडियो में अपन कहां तक आ गए थे, वहां से वापस उस बिंदु तक जाना है जहां से अपन चल के आए थे। समझ में आ गई बात? तो अपना लास्ट पॉइंट क्या था, जब पासे की दो स्थिति दे रखी हो और दोनों स्थितियों में दो अंक या दो सतह क्या हो, समान हो। तो सबसे पहला पॉइंट, तो इसके अंदर अपन क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, और जिसको थोड़ा बहुत आता है वो साथ साथ में उत्तर दे कि एक का विपरीत क्या होगा, दो का क्या होगा, चार का क्या होगा, छह का क्या होगा। अब देखो अपने पास क्या बोल रहा है। अपने पास पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले दो पासों में समानता देखनी है, और दो पासों में, अब इसमें इसमें पहले में दूसरे में लोगे, दूसरा या तीसरा लोगे, पहला या तीसरा लोगे, वो आप पर डिपेंड करता है। क्लियर है? अब यहां पे सबसे पहले वो स्थिति लेनी है आपको जिसमें दो सतह समान हो। कितनी सतह? दो सतह समान हो। तो देखो, इसमें पहले वाले में क्या दे रखा है, एक दो, और इसमें क्या दे रखा है, एक दो। जब दो सतह समान है, इसमें भी एक दो है, इसमें भी एक दो है, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इसमें क्या बचा, तीन, और इसमें क्या बचा, पांच। तो तीन बराबर क्या हो गया, पांच। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है,
ये 3 और 5 जो अपने पास कंडीशन दे रखी हैं उनमें किसी में भी एक साथ नहीं दिखना चाहिए। जैसे इसमें 3 है, इसमें 5 है क्या? नहीं है। इसमें 5 है, इसमें 3 है क्या? नहीं है। इसमें 5 है, 3 है क्या? नहीं है। तो अपना 3 का विपरीत क्या हो गया? 5 हो गया। कंप्लीट है, क्लियर, कोई दिक्कत? अब आगे अपन करते हैं। देखो अब 3 का विपरीत हो गया, अब अपने पास क्या हुआ? पहले और दूसरे से कंपेयर कर लिया, अब अपन करेंगे पहले तीसरे से या दूसरे तीसरे से। तो मैं दूसरे और तीसरे से कंपेयर कर रहा हूँ। किससे? दूसरे और तीसरे से। तो दूसरे और तीसरे को कंपेयर करता हूँ तो एक बार जो कटा हुआ उसको हटा दो वापस। समझ में आ गई बात? क्योंकि कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो पहले से ही कट गया। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, देखो 2 5 2 5 कैंसिल हो गया। तो इसमें 2 5 2 5 कैंसिल हो गया, इसमें क्या बचा? 1। इसमें क्या बचा? 6। तो 1 का विपरीत क्या हो गया? 6। 1 का विपरीत 6 तभी माना जाएगा जब 1 और 6 एक साथ दिखाई नहीं दे। तो देखो 1 1 6 दिखाई दे रहा है? नहीं। 1 6 दिखाई दे रहा है? 6 1 दिखाई दे रहा है? नहीं। तो सत्य है। अब बचे नंबर, कितने नंबर हो गए? 4। नंबर होते कितने हैं? 6। तो बचे 2, वो दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे। तो बच क्या गया? 2 बराबर 4। तो अपने पास 1 का विपरीत 6 2 का 4, 3 का 5 4 का 2 5 का 3 6 का 1। बात समझ में आ गई? क्लियर है? आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और साथ में लाइक करना ना भूलें, और अपने साथियों से भी लाइक करवाएं। क्लियर है? आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप भी बताओ साथ साथ में, ताकि ये पता रहे कि कितना आपको समझ में आ रहा है, कितना। अब देखो अपने पास क्या दे रखा है। इसके अंदर अपने पास पहली दूसरी कंडीशन लोगे, या दूसरी तीसरी लोगे, या पहली तीसरी लोगे, आपकी जो मन में इच्छा है वही लेना है। मैं आपको फिर कह रहा था, क्योंकि जो 2 वाली कंडीशन होती है उसी में दिक्कत होती है, बाकी आगे कोई दिक्कत नहीं होती है। अब देखो अपने पास यहाँ पे मैं किसको काटूँ? 2 4 2 4। यहाँ क्या बचा? 3। यहाँ क्या बचा? 6। 3 और 6 आपको एक साथ नहीं दिखाई देने चाहिए। तो देखो इसमें 3 है 6 नहीं है, इसमें 6 है 3 नहीं है, इसमें 3 है 6 नहीं है। इसका मतलब ये अपना क्या है? सत्य है। क्लियर? आगे चलो, पहला और दूसरा हो गया, अब इसको हटा दो वापस। अब पहला दूसरा हो गया तो अपन कौन सा लेंगे? अब पहला और तीसरा ले लो। तो पहले और तीसरे में 3 2 3 2 कैंसिल। पहले में क्या बचा? 4। तीसरे में क्या बचा? 1। तो 4 और 1 आपको एक साथ नहीं दिखाई देने चाहिए। दिखाई दे रहे हैं क्या? देखो 4 1 नहीं है 4 1 नहीं है 1 4 नहीं है। तो अपने पास 4 का विपरीत क्या हो गया? 1। बचे हुए नंबर आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो बचा हुआ नंबर क्या है? 2 बराबर 5। बात समझ में आ गई? क्लियर है? किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। आगे देखो, आगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में पहला दूसरी, दूसरी तीसरी, या पहली तीसरी, बताओ। देखिए तो मैं लेता हूँ पहली और तीसरी, पहली और तीसरी, पहली और तीसरी में 1 4 1 4 कैंसिल। पहले में क्या बचा? 6। दूसरे में क्या बचा? 2। तो 6 और 2 आपस में एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं। देखो इसमें 6 2 नहीं है, इसमें 6 2 नहीं है, इसमें 2 6 नहीं है। बात समझ में आ गई? अब आगे चलो, तो पहला और तीसरा तो हो गया, अब अपन इसके अंदर देखेंगे पहले और दूसरे में क्या समानता है। तो पहले और दूसरे के अंदर केवल 6 समानता है, बाकी नहीं है। दूसरे और तीसरे में देखो क्या समानता है, तो दूसरे और तीसरे में कोई समानता नहीं है, नहीं है ना। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 6 6 नहीं है, इसमें 3 है, 3 नहीं है। तो अपन क्या करेंगे? पहला और दूसरा लेंगे। तो पहले और दूसरे में क्या है? 2 अंक समान है कि 1 अंक समान है? 1 अंक समान है। कौन सा? 6 समान है ना। तो 6 को अपन क्या करेंगे? क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो 6 6 के आगे क्या करेंगे? जब 1 सतह समान हो, 1 अंक समान हो, तो मैंने क्या बताया था? क्लॉकवाइज 6 6 के बाद 4 4 के बाद 1, यहाँ पे 6 6 के बाद
तीन और तीन के बाद पाँच। बात समझ में आ गई? तो अब अपने को यहाँ पे देखना, देखो चार का विपरीत तीन और तीन का विपरीत चार, तो चार और तीन आपको एक साथ नहीं दिखाई देने चाहिए। देखो देखें, चार के साथ तीन नहीं दिखाई दे रहा, तीन के साथ चार नहीं दिखाई दे रहा, चार के साथ तीन नहीं दिखाई दे रहा, क्लियर है। फिर एक बराबर पाँच, एक और पाँच एक साथ नहीं दिखाई देना चाहिए। देखो एक पाँच नहीं है, पाँच एक नहीं है, यहाँ पे एक पाँच नहीं है। समझ में आ गई बात? ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत हो गए, और छः का विपरीत अभी ज्ञात किया था अपन ने, क्या है दो, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, एक का विपरीत पाँच, पाँच का एक, चार का तीन, तीन का चार, छः का दो, दो का छः। कंप्लीट? कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं? आगे वाला क्वेश्चन देखो, कुछ एक्सरसाइज मैं आपको करवा देता हूँ, कुछ एक्सरसाइज आप घर पे हो, सबके पास गाइड है, एक्सरसाइज किया करो। अब देखो अपने पास यहाँ पे पहले और दूसरे को लोगे, या दूसरे तीसरे को लोगे, या पहले तीसरे को लोगे। देखो देखिए इसमें क्या क्या समानता दे रखी है। देखो पहले में क्या दे रखा है, चार, तो चार है इसमें, इसके अलावा पाँच एक नहीं है, तो इसमें पहले और दूसरे में तो एक ही सतह समान है। पहले अपन वो देखेंगे जिसमें दो सतह समान हो। दूसरे और तीसरे में देखो क्या है, छः है, छः है, फिर इसमें चार तीन है, इसमें चार है। पहले और तीसरे को देखो, तो पहले और तीसरे में देखो पाँच है, पाँच है, लेकिन इसमें चार एक, इसमें अलग अलग है। इसका मतलब वो कंडीशन तो लागू नहीं होगी, कौन सी, जो दो सतह समान हो। अब अपन एक सतह समान वाली करेंगे, तो एक सतह समान में अपन क्या करेंगे, पहला और दूसरा ले लेंगे। तो पहला और दूसरा लेंगे तो अपने पास चार और चार, क्लॉकवाइज घुमा दो, तो चार से क्लॉकवाइज घुमाओगे तो चार, चार के आगे पाँच और पाँच के आगे एक, चार, चार के आगे तीन और तीन के आगे छः। बात समझ में आ गई? क्लियर है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं? तो पाँच बराबर तो क्या हो गया, तीन, और एक बराबर क्या हो गया, छः। लेकिन आपको ये देखना है कि पाँच और तीन एक साथ तो नहीं दिखाई दे रहे। तो देखो पाँच तीन नहीं है, तीन पाँच नहीं है, पाँच तीन नहीं है, यहाँ पे एक बराबर छः, तो यहाँ पे देखो छः एक नहीं है, यहाँ छः एक नहीं है, यहाँ एक छः नहीं है। समझ में आ गई बात? तो बचा हुआ नंबर आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, क्या बच गया, दो। दो और चार एक साथ दिखाई दे रहे हैं क्या? देखो दो चार नहीं है, चार दो नहीं है, चार दो नहीं, तो अपने पास दो का विपरीत चार, चार का विपरीत दो, पाँच का तीन, तीन का पाँच, एक का छः और छः का एक। बात समझ में आ रही है? आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और साथ में लाइक भी करें, क्योंकि कमेंट बॉक्स में लिखते हैं लाइक बहुत कम करते हैं। लाइक किया करो भाई, क्यों नहीं करते हो? वीडियो पूरा देखते हो, आपको पसंद आता है, फिर लाइक क्यों नहीं करते हो? आप ये तो नहीं सोच रखा है कि चलो ठीक है अपन ने वीडियो देख लिया, अपने को क्या करना है, क्यों करेंगे अपन लाइक? अपने लाइक करने से यदि इनको कुछ मिल रहा है तो अपन ऐसा इनको हासिल होने नहीं देंगे। तो ये ऐसा दिमाग में ना रखें, क्योंकि हम आपके साथ हैं तो आप भी हमारे साथ रहें। अब आगे देखो अपने पास क्या दे रखा है। अब यहाँ से अपन पाँच नंबर का लेते हैं। पाँच नंबर में पहला और दूसरा लोगे, या दूसरा तीसरा लोगे, या पहला तीसरा लोगे। अब इसके अंदर देखो, पहले पहले और दूसरे में क्या समान है, देखो सी सी समान है, बाकी समान नहीं है, इसमें ए बी है, इसमें डी है। अपन इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या समान है, केवल ई समान है, आगे इसमें सी डी है, इसमें अलग है। पहले और तीसरे में देखो, पहले और तीसरे में बी समान है, बाकी अलग अलग है। तो अपन क्या करेंगे, पहला और दूसरा ले लो। समझ में आ गई बात? तो जब पहला और दूसरा लेंगे तो अपने पास पहले में क्या है, सी, तो सी, सी से क्लॉकवाइज घुमाओ तो अपने पास क्या हो जाएगा, सी, सी के आगे बी और बी के आगे ए, फिर उसके आगे चलो तो उसके आगे चलोगे तो क्या हो जाएगा, सी, सी के आगे डी और डी के आगे ई, क्लियर है? अब अपने पास क्या होगा, देखो बी बराबर डी और डी बराबर बी, डी और बी आपको एक साथ नहीं दिखाई देने चाहिए। देखो बी यहाँ डी है, बी नहीं है, यहाँ बी है, डी नहीं है। समझ में आ गई बात? यहाँ देखना ए बराबर ई, ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत है, एक साथ नहीं दिखने चाहिए। यहाँ देखो ए, ई है क्या, नहीं है, यहाँ ई, ए है क्या, नहीं है, यहाँ ई, ए है क्या, नहीं है। तो अपने पास जो बचा हुआ नंबर है वो क्या बच गया, एफ, तो सी का क्या हो जाएगा, एफ, बी का क्या हो जाएगा, डी, और ए का क्या हो जाएगा, ई।
बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं, कंप्लीट। आगे चलते छह नंबर पे, छह नंबर का क्वेश्चन देखो क्या होता है। छह नंबर के क्वेश्चन में क्या दे रखा है, छह नंबर के क्वेश्चन में पहले और दूसरे को ले लेते, क्योंकि इसके अंदर दो सतह वाला तो समान है नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्या समान है अपने पास, आर, इसके अलावा पी टी वो समान नहीं है। इसके अंदर अपने पास क्या समान है, यू समान है, बाकी कुछ समान नहीं है। इसमें अपने पास टी, टी के अलावा कोई समान नहीं, तो पहला और दूसरा ले लो। तो पहला और दूसरा लोगे तो अपने पास क्या है, आर, आर से क्लॉकवाइज घूम जाओ तो अपने पास क्या हो जाएगा, आर टी और पी, वहां से क्लॉकवाइज घूमोगे तो आर एस यू, तो टी का विपरीत क्या हो गया, एस। टी और एस आपको एक साथ नहीं दिखाई देना चाहिए, टी एस नहीं है, एस टी नहीं है, टी एस। आगे अपने पास है पी बराबर यू, तो पी और यू एक साथ नहीं दिखाई देने चाहिए, नहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे ना, तो इसका मतलब बचा हुआ नंबर आर का विपरीत हो जाएगा। तो बचा हुआ नंबर क्या है, पी आ गया, क्यों रह गया, तो अपने पास आर का विपरीत क्या हो जाएगा, क्यों। बात समझ में आ गई, आर और क्यों एक साथ नहीं दिखाई देने चाहिए, क्यों, या आर के साथ क्यों नहीं है, आर के साथ क्यों है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की नहीं, हो तो जरूर पूछे और हमें भी बताएं कि हमारे इस प्रकार की दिक्कत है। और इसके लिए मैंने आपको एक बात कही थी, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछते हो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा अपनी कोचिंग के व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर यही है, व्हाट्सएप मेरे पास है, कॉलिंग सुशील जी के पास है, तो अपने पास व्हाट्सएप कर देना इन नंबरों पे 9680101818 पे, क्लियर। नेक्स्ट पर्सन देखो, नेक्स्ट पर्सन देखेंगे तो नेक्स्ट पर्सन के अंदर अपने को ये देखना है कि पहला और दूसरा लें, दूसरा तीसरा लें या पहला तीसरा लें। देखो इसके अंदर पहले और दूसरे में क्या समान है, देखो इसके अंदर पहले और दूसरे में कोई भी समानता नहीं है, नहीं है ना। अब अपने पास पहले और दूसरे में एक्स नहीं है, एम नहीं है, ए नहीं है, दूसरे और तीसरे में देखो क्या समानता है, वाई और पी, वाई और पी दोनों में समान है, तो वाई और पी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वाई और पी क्या हो जाएगा, कैंसिल। बचा हुआ नंबर क्या है, एल, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, ए, तो अपने पास एक तो आ गया एल बराबर ए। एल और ए आपको एक साथ नहीं दिखाई देना चाहिए, तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, समझ में आ गई बात। पहले दूसरे में कोई समानता नहीं है, दूसरे तीसरे में जो समानता थी वो कर ली, अब अपन देखेंगे पहले और तीसरे में, तो पहले और तीसरे में जो समानता देखेंगे किस में, पहले में और तीसरे में, देखो देखिए क्या समान दिख रहा है आपको पहले और तीसरे में, ए, एक सतह समान है, जब एक सतह समान है तो क्या कर देंगे, क्लॉकवाइज घुमा दूँ, तो यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाओ इसको, तो क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स एम, वहाँ घुमाओ ए वाई और पी, तो x का विपरीत क्या हो जाएगा, y, y का विपरीत क्या हो जाएगा, x, x और y एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए आपको, देखो देखिए x और y, x y नहीं है, x y है, x नहीं है, समझ में आ गई बात। आगे देखो m बराबर क्या हो जाएगा, p, m और p एक साथ नहीं दिखाई देने चाहिए, m p नहीं है, p m नहीं है, p m, समझ में आ गई बात। और a का विपरीत अपन ने ज्ञात कर लिया था क्या है, l, तो अपने आंसर आ गए। बात समझ में आ रही है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं, टॉपिक से संबंधित, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तीन वाले में, फिर आगे चलते हैं अपन चार वाले में। अब देखो अपने पास क्या दे रखा है, यहां से अपने पास देखो, देखिए कौन कौन सी कंडीशन लेंगे, पहले में, पहले और दूसरे में देखो एम एस, एम एस समान है, तो एम एस से एम एस कैंसिल, क्या बचा, डी बराबर डब्लू। अब डी बराबर डब्लू तभी विपरीत मानेंगे जब डी और डब्लू एक साथ दिखाई नहीं दे, डी डब्लू नहीं है, डब्लू डी नहीं है, डी डब्लू नहीं है, क्लियर है यहाँ तक, तो पहला और दूसरा हो गया। अब अपन देखेंगे दूसरे तीसरे में या पहले तीसरे में, तो कौन सा ले भाई, पहला पहला दूसरा तो ले लिया, पहला और तीसरा लें क्या, तो पहले और तीसरे में क्या समान है, केवल डी समान है। दूसरा तीसरा में देखो देखें क्या समान है,
दूसरे और तीसरे में एस भी नहीं है, एम भी नहीं है, दूसरे और तीसरे में तो कुछ समान है ही नहीं, तो अपन कौन सा लेंगे? पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा लेंगे तो पहले और तीसरे में क्या समान है? डी है, तो डी से क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो डी से जो ही क्लॉकवाइज घूमोगे तो अपने पास क्या हो जाएगा? डी, एस और एम क्लॉकवाइज घूमोगे, यहाँ पे इसमें क्लॉकवाइज घूम जाओ तो अपने पास क्या हो जाएगा? डी यू वाई। तो अपने पास एस का विपरीत क्या है? यू। यू का विपरीत क्या है? एस। एस और यू एक साथ नहीं दिखने चाहिए, नहीं दिख रहे। आगे है एम का विपरीत क्या है? वाई। वाई का विपरीत क्या है? एम। तो एम और वाई एक साथ नहीं दिखने चाहिए, नहीं दिख रहे। बची सतह आपस में एक दूसरे के विपरीत होती है, तो डी, डी का अभी याद किया था क्या था? डब्लू। तो डी बराबर क्या हो गया? डब्लू। क्लियर है दोस्तों? किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, कंप्लीट है। तीन वाले इसी प्रकार होंगे, चार वाले भी इसी प्रकार होंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिखता हूं और उस पर भी अपन एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। हाँ, तो आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप देखो इसके अंदर बताओ। जैसे अपन ने तीन वाला किया था वैसे ही अपने को चार वाला करना है, वही अपने को दो दो कंडीशन देखनी है। अब जैसे इसमें चार स्थितियां दे रखी हैं, चार कंडीशन दे रखी हैं, तो अपने को दो वाली देखेंगे, कोई भी दो देखेंगे, पहले दूसरे के साथ देखेंगे, दूसरे तीसरे के, तीसरे चौथे के, पहले तीसरे के, पहले चौथे के, दूसरे चौथे के, अपने को श्याम दाम दंड भेद कुछ भी करना हो, अपने को छओं का विपरीत पता होना चाहिए, क्योंकि तीन जोड़े बनेंगे, अंक छः होते हैं, तो अपने को छओं का आपस में पता होना चाहिए कि किसका संबंध किसके साथ है। समझ में आ गई बात? अब देखो, तो अपने पास पहले प्रश्न की बात करते हैं अपन। अब यह प्रश्न करने से पहले मैं बताता हूँ आपको, इसमें दो टाइप और बची हुई, वो दो टाइप अपनी नेक्स्ट क्लास में आएंगी। कौन कौन सी टाइप बची हुई है? एक तो मिसिंग नंबर, जैसे अपने पास ये दे दिया और इसके अंदर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देगा कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा। समझ में आ रही है बात? तो अपने को इसी प्रकार करना है, क्लियर है? मिसिंग नंबर में हमेशा ध्यान रखना, कम से कम तीन स्थितियाँ दी हुई मिलेंगी, एक पासे की कितनी स्थिति मिलेंगी? तीन स्थितियाँ मिलेंगी, और तीन या तीन से अधिक स्थितियाँ दी हुई मिलेंगी उसमें, और किसी भी एक स्थिति के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा, एक जगह पे, दो जगह पे नहीं मिलेगा, एक ही जगह पे मिलेगा। एक पॉइंट तो अपना ये रह गया, फिर अपने पास दूसरा पॉइंट रह गया। अभी तो ये पासा क्या है? बंद पासा है। खुला पासा मिलेगा उसको क्या करना है? बंद करना है। समझ में आ गई बात? बंद पासा मिलेगा उसको क्या करना है? खोलना है। तो ये अपना नेक्स्ट क्लास में रहेगी, आज अपन इसके ऊपर और डिस्कस करते हैं। अब देखो अपने पास, आप सबसे पहले पहले और दूसरे को ले लो, तो पहले और दूसरे को लो, तो अपने पास देखो दो छः कैंसिल, तो तीन बराबर क्या हो गया? चार। लेकिन अब अपने को ये देखना है कि तीन और चार एक साथ नहीं दिखाई देना चाहिए, तो देखो चार तीन नहीं है, चार तीन नहीं है, चार तीन नहीं है, तीन चार नहीं है, इसका मतलब ये एक तो हो गया। अब अपन कौन से को लेंगे? पहले और दूसरे को ले लिया, अब अपन ने कौन से को ले भाई? पहले और तीसरे को ले गया? नहीं, अपन लेंगे दूसरे और चौथे को। देखो दूसरे को और चौथे को ले लो, दूसरे और चौथे में देखो दो चार कैंसिल हो गया, दूसरे में क्या बचा? छः, और चौथे में क्या बचा? एक। अब छः और एक एक साथ नहीं दिखने चाहिए, एक छः नहीं है, छः एक नहीं है, छः एक नहीं है, छः एक नहीं है। समझ में आ गई बात? अब अपने पास चार नंबर हो गए, बच्चे हुए दो नंबर आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, तो दो का विपरीत क्या हो गया? पाँच हो गया। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं? यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जोड़े बनाओ, कौन कौन सा जोड़ा बनाओगे, कैसे कैसे बनाओगे? पहले और दूसरे का बना देगा, पहले और दूसरे में क्या क्या है? चार पाँच बन गया, पहला चार और पाँच, पहले में क्या बचा? तीन, दूसरे में क्या बचा? दो, तो तीन बराबर क्या है? दो।
कंप्लीट है, कोई दिक्कत, पहला दूसरा हो गया। अब अपन कौन से को बनाएं, पहले और तीसरे को बना लो, पहले और तीसरे को बना लो, या फिर तीसरे और चौथे को बना लो, आपकी मर्जी है। देखो मैं दोनों से बता देता हूँ आपको, पहले और तीसरे से, पहले और तीसरे से करेंगे तो देखो तीन पाँच, तीन पाँच कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा छः, यहाँ पे क्या बचेगा चार, तो छः का विपरीत क्या हो गया चार। समझ में आ गई बात? तो छः और चार एक साथ दिखाई दे रहा क्या? नहीं दे रहा, तीन दो भी नहीं दिखाई दे रहा। अब मैंने क्या बताया, देखो तीसरा और चौथा भी लेके देख लो, तीसरे और चौथे में क्या छः तीन, यहाँ पे भी छः तीन, कैंसिल क्या बचा यहाँ पे पाँच, यहाँ पे क्या बचा एक, तो पाँच बराबर क्या हो गया एक। देखो सब आ गए अपने पास, बात समझ में आ रही है, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं। अब देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन कौन सा समान करोगे भाई, दो चार दो चार, यही कर लो दो चार दो चार, क्या बचा छः बराबर तीन, छः और तीन एक साथ नहीं दिखना चाहिए, छः यहाँ तीन, यहाँ पे तीन, यहाँ पे तीन, क्लियर है। अब अपन पहला दूसरा तो ले लिया, अब अपन कौन सी कंडीशन ले, दूसरी और तीसरी ले लो, दूसरी और तीसरी लोगे तो दूसरी में क्या है तीन चार और इसमें भी तीन चार, तो अपने पास क्या बचा पाँच बराबर दो, तो पाँच बराबर क्या हो गया दो, पाँच और दो एक साथ नहीं दिखने चाहिए, दो दो पाँच दो, समझ में आ गई बात। बचे हुए दो नंबर आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं, क्या क्या बच गया एक बराबर चार, तो एक और चार एक, यहाँ चार यहाँ चार यहाँ चार, क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं। अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है जो सिंबल पे आधारित है। अब इसके अंदर मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब यहाँ पे जो मैंने नंबर लिखे हुए हैं अभी तक, जैसे पासे के अंदर अभी जस्ट पीछे वाले पासे में इस प्रकार नंबर लिखे हुए थे, दो चार छः लिखे हुए थे ना, अब आपको ऐसे भी मिल सकता है ये दो, दो डॉट मिल सकती हैं, चार डॉट मिल सकती हैं, छः डॉट मिल सकती हैं, ध्यान रखना, तो बात यही है, क्लियर है। अब मैंने रंग वाले नहीं बताए, तो इसके अंदर रंग वाला भी ऐसे ही करना है, यहाँ लाल हो जाएगा, यहाँ नीला हो जाएगा, यहाँ पीला हो जाएगा, कोई भी कलर आ जाएंगे आगे से आगे, अपने को ऐसे ही करना है। समझ में आ गई बात, क्लियर। आज का लास्ट पर्सन, क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना अपने को, ये बात मैंने आपको बता दी। देखो इसमें पहले और दूसरे में ओ एक्स गुणा बोल दो, एक्स बोल दो, आपकी मर्जी है, तो अपने पास ओ एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचा भाग बराबर में माइनस, ये सिंबल हो गया, तो भाग और माइनस एक साथ नहीं दिखने चाहिए, नहीं दिख रहे। अब अपन क्या करेंगे, इसको लेंगे दूसरे और वो तीसरे और चौथे को, भाग और प्लस, भाग और प्लस क्या बचा त्रिभुज, ट्रेंगल बराबर ओ वर्त, तो अपने पास त्रिभुज और वर्त एक साथ नहीं दिखाई देने चाहिए, नहीं दे रहे। अब बचे हुए दो सिंबल हैं वो आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे विपरीत हो जाएंगे, तो बचे हुए दो सिंबल क्या क्या बच गए अपने पास, एक तो एक्स गुणा का चिन्ह और एक प्लस का चिन्ह, तो अपने पास गुणा बराबर क्या हो गया प्लस। देखो देखें गुणा और प्लस नहीं है, गुणा प्लस प्लस, समझ में आ गई बात, क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपने को क्या पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया है। क्लास रेगुलर लिया करो, घर पे रहो, सुरक्षित रहो, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से मित्रों से अपने साथियों से करवाएं। ओके बाय, जय हिंद जय भारत।